तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे मेजर डिफरेंस मैंने देखा है। ऐसा ही है कनाडा में और ऐसा ही चलता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है जब मैं इंडिया में थी, जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी है कनाडा की। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो देखने को मिलता है। और घर पे वाईफाई होता है तो लोग पासवर्ड भी नहीं देते हैं अपना, ठीक है। कनाडा में यही खुशी दो बार तो मिलती मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनजे कैनेडियन व्लॉगर्स। मेरा नाम है जतिन, यह मेरी वाइफ निकिता। तो जब भी कोई नया बंदा आता है कनाडा में, जैसे कि हम लोग भी आए थे जब कनाडा, तो हमने भी बहुत कुछ सुना था कि कनाडा इस चीज में डिफरेंट है इंडिया से और ये चीज आपको अलग मिलेगी जब आप कनाडा में जाओगे। तो आज हम उन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 10 मेजर डिफरेंसेस हैं जो हमने भी खुद एक्सपीरियंस करे यहाँ कनाडा में आके, जो कि इंडिया से बिल्कुल ही अलग है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कनाडा आने की, तो डेफिनेटली उनमें से बहुत सारे डिफरेंसेस आप भी फेस करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अगर आप अभी आने की प्लानिंग कर रहे हो या जस्ट अभी आप कनाडा लैंड ही हुए हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। गर्ल्स का फेवरेट शॉपिंग, मेरा हाँ बहुत शॉपिंग फेवरेट है। तो इंडिया में बहुत शॉपिंग करती थी, जब मैं यहाँ आई मैंने सोचा चलो यहाँ भी आकर शॉपिंग करते हैं। जब मैं वॉलमार्ट गई तो मुझे जब नॉन स्लिपर शूज लेने थे, तो जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है कि वो $45 के थे, बट मैंने कहा ठीक है $45 के हैं, बट आफ्टर टैक्स के मुझे अराउंड $50 पड़े। तो $5 जो एक्स्ट्रा दिए वो बहुत मेरे लिए बड़ी बात थी। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है। जब हम इंडिया आते हैं तो हम देखते हैं टैग पे जो रेट लगा होता है वो उतना ही है। हम ब्रांडेड शॉप्स पे जाते हैं, मॉल्स पे जाते हैं, वहाँ पर जो टैग में रेट्स लगे होते हैं वो सेम होता है। जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं तो आपको उतना ही पे करके जाना होता है। बट यहाँ पर क्या है, जो भी टैग पे रेट लगा है, मान लो अगर शूज का रेट $45 था, तो जब मैंने बाहर निकली तो मैंने अराउंड $49.50 या कुछ दिया था ऐसा। उस पर क्योंकि टैक्स लग गया उतने डॉलर्स जो किया 13%। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे मेजर डिफरेंस मैंने देखा है, वो मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अभी निकिता ने तो अपनी शॉपिंग की बात कर ली, अभी मैं घर के सौदे की बात करता हूँ जो मेरी जिम्मेवारी है। तो जो मैंने मेजर डिफरेंस यहाँ पे फाइंड किया जो इंडिया से डिफर करता है, वो ये है कि यहाँ पे हर चीज का प्राइस वेरी करता है स्टोर टू स्टोर। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लीनिंग सप्लाईज का। अगर वॉलमार्ट जाते हैं वही क्लीनिंग सप्लाई आपको $3.97 की मिल रही है, वही सेम क्लीनिंग सप्लाई, सेम कंपनी, सब सेम, वही प्रोडक्ट आपको डॉलरामा में मिलेगा $1.97 का। अब आप सोच रहे होगे इतना डिफरेंस। यस फ्रेंड्स, ऐसा ही है कनाडा में और ऐसा ही चलता है। इसीलिए यहाँ पे स्टोर्स जैसे कि फ्रेशको हो गया, कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो कि प्राइस मैच पॉलिसी देते हैं, जिस वजह से आपको जहां पे भी अगर डॉलरामा में आपको वो प्रोडक्ट का प्राइस कम मिला, तो ऑनलाइन आप खोल के अगर उनको दिखाएंगे वो सेम प्राइस का ही प्रोडक्ट आपको देंगे, चाहे उसका प्राइस ऑलरेडी $3.97 उनके स्टोर में लगा हुआ है। तो जो बात मैंने अभी बताई, इसके थ्रू एक सेविंग टिप आपको मिलता है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो इंडिया वाला माइंडसेट मत लेके आना कि अगर आप वॉलमार्ट ही गए हो, वहां से जो चीज देखी, जो प्रोडक्ट का प्राइस देखा, वो ही सब जगह होगा। ऐसा नहीं है, सब स्टोर्स में आपको प्रोडक्ट का प्राइस पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक ऐप भी बता देता हूँ जिसका नाम है फ्लिप, जो मैं खुद यूज करता हूँ। वन ऑफ द वंडरफुल ऐप है कनाडा के लिए। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है उससे पहले फ्लिप पे जाके उसको चेक कर लीजिए। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ फ्लिप की, लेकिन अगर फ्लिप वाले सुन रहे हो तो डेफिनेटली मुझे स्पॉन्सर कर दें इस वीडियो के लिए। लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छा सेविंग टिप है जो नए स्टूडेंट्स डेफिनेटली यूज करें, जिससे आप बहुत सारे पैसे सेव करेंगे। तीसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं, वो है गार्बेज। अब आप लोग सोचेंगे गार्बेज में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर बहुत बड़े डिफरेंस है यहाँ पे गार्बेज के लिए भी। इंडिया में क्या होता है, हम घर पर बैठे हैं, गार्बेज वाले भैया आते हैं, आप बाहर गार्बेज रख दोगे और वो एवरीडे आता है। और अब मैंने सुना है कुछ कुछ सिटीज में वो 3 दिन आते हैं एक हफ्ते में, तो वो डिपेंड करता है। बट यहाँ पर क्या है, वो सिर्फ वीक में 1 डे आते हैं। और अगर आपने वो दिन मिस कर दिया, बीइंग अ बैचलर हम लोगों ने चीजें देखी है, जैसे लड़कियों की हमारी ड्यूटी होती थी, तो हर वीक किसी किसी की ड्यूटी होती थी, आपको क्लीनिंग करनी है, आपको गार्बेज रखना है। तो एक दो बार बैचलर्स पता ही है रात को लेट आए और भूल गए रखना, तो वो 3-4 पैकेट जो रखे रहेंगे अगले वीक के लिए, तो वो हमारा गार्बेज दोबारा नहीं जा पाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा वेनसडे चलता है, हर एक जगह का अलग अलग सिस्टम है यहाँ पर। और ये भी है कि वो सिर्फ एक ही गार्बेज बिन नहीं होता है, आपको ग्रीन गार्बेज बिन चाहिए, ब्लू गार्बेज बिन चाहिए, या उसके लिफाफे अलग अलग चाहिए। तो ये भी चीज अच्छी है यहाँ पे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है कनाडा, जो चीज मेरे को इंडिया में देखने को नहीं मिली। तो अगला डिफरेंस जो मैं बताने लगा हूँ, उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये चीज बुरी है। आप बाकी कमेंट
इंट्रोडक्शन में जरूरत है, वो है वीड, जिसको हम बोलते हैं गांजा भी। यहाँ पे कनाडा में मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे लीगल शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे कि हम ग्रोसरी करने जाते हैं वैसे ही आप वीड भी बाय कर सकते हैं शॉप पे जाके, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स में वीड मिलती है, जैसे कि कैंडीज की फॉर्म में या आपको ड्रिंक्स की फॉर्म में। यहाँ पे कैनबिस स्टोर्स हैं, आप वहां जाके वीड बाय कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे लिए ये चीज, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, तो मैं यही एडवाइस करूंगा अगर आप नए भी आ रहे हो तो यहाँ आके, चाहे वो चीज लीगल है लेकिन पॉइजन, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, पॉइजन पॉइजन ही रहती है। तो हमारे यही एडवाइस है कि उसको बाय मत करिए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूज्ड हो और आप अब कर रहे हैं तो उसको कम करने की कोशिश करिए। ये सो नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी की। इंडिया में क्या होता है जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, मतलब आपको लगा कि जब आपने लिया था तो वो चीज आपको फिट आ रही थी या नहीं आ रही थी, कुछ भी इशू होता है एक्स वाई जेड, तो क्या करते हैं वो लोग? वो बहुत टंटे करते हैं कि हम वापस नहीं लेंगे, इसमें टैग नहीं है, क्या पता तुमने ही इसका बटन तोड़ दिया होगा, जो भी मर्जी या बातें होती है। ऐसा मेरे साथ हुआ है जब मैं इंडिया में थी, बट कनाडा में रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई तो कुछ टाइम पीरियड होता है, तो आप उस टाइम पीरियड के बीच में उसको वापस कर सकते हो, आपको फुल मनी बैक मिलेगी या आपको वो नई चीज देंगे उसी सेम चीज की। तो मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ के कि मैंने अपने शूज बाय किए थे जब मैं यहाँ पे न्यू जॉब पे आया था, तो मैं पहना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, फिर मैं उसकी पॉलिसी देखी कि कितने महीने के लिए है या कितने डेज के लिए मैं उसको वापस दे सकती हूँ। तो वहाँ पे पॉलिसी लिखी थी कि आप एक महीने के अंदर दे सकते हो, तो मैंने वापस दे दिया। उन्होंने बोला कि चलो आप न्यू शूज ले लो या फिर आपको पैसे वापस देते हैं। मैंने बोला शूज दे देती हूँ, एक और चलो दूसरे। तो मैंने दूसरे शूज लिए, 15 दिन के बाद मुझे उसमें भी प्रॉब्लम आई, तो मैंने बोला मुझे अब शूज नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट आप मनी वापस दे दो मेरी। तो उन्होंने मुझे मनी वापस कर दी, तो मैंने एक डेढ़ महीने के अंदर दो शूज ले लिए। ये मेरे को पॉलिसी अच्छी लगी। अगर मैं ये बात इंडिया की करूँ तो ये पॉलिसी वहाँ पर नहीं है, इवन वो आपको ताने सुनाने वापस दे देंगे कि जाओ अपना कंपनी में जाकर बात करो, वो बहुत सुनाते हैं। बट यहाँ पर चीज अच्छी है, बड़े पोलाइटली आपको डील करेंगे, क्योंकि उनको लगता है ओ माय गॉड ये आपको नहीं आया, मतलब उनको लगता है हमारी गलती है कि हमने आपको बेचा पर आपको वो चीज सही नहीं आई है। तो ये कनाडा की बड़ी अच्छी चीज है। अगर आप लोग भी नए आ रहे हो, कुछ नया खरीद रहे हो, तो डरना मत अगर आपको इसमें कोई इश्यू आ रहा है, वो फुल फ्लेज आपको अपना टाइम देंगे और वो चीज के लिए पूरी हेल्प करेंगे, पैसे वापस करने के लिए या नहीं देने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग इंडिया से सामान मत खरीद के लेके आइए, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह यहाँ आके लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर फायदा हो, कुछ इश्यू आए तो आपको चेंज करके देंगे। नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है, वो है हॉलीडे पे। तो डिफरेंस क्या है कि इंडिया में जब हम होते थे, दिवाली, दशहरा, होली, लोहड़ी, ये सब चीजें आती थी, हम धूमधाम से मनाते थे, क्योंकि उस दिन होता था हॉलीडे, सब चीजें बंद होती थी, बैंक से लेके ग्रोसरी स्टोर, सिर्फ छोटी शॉप्स खुलती थी, बाकी सब बंद होता था, तो हम घर पे होते थे, फैमिलीज के साथ फुल एंजॉय करते थे। कनाडा में आके डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि हॉलीडेज पे हमारे लिए एक्चुअल वो हॉलीडेज नहीं होती है। अच्छी बात क्या है इसमें कि डेढ़ गुना पे मिलती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैट पे। नॉर्मल पे से स्टैट पे का डिफरेंस क्या है कि अगर आप नॉर्मल पे पे $15 पे काम कर रहे हो किसी जगह पे, और स्टैट पे आपको शिफ्ट मिलती है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आप $22.5 घंटे के हिसाब से पैसे कमाओगे उस दिन के लिए। और दूसरी अच्छी बात जो इंडिया में नहीं है, यहाँ पे है, कि यहाँ पे अगर आप उस दिन काम नहीं भी कर रहे हो और अपनी फैमिली के साथ हो या एंजॉय कर रहे हो, तो भी आपको पे मिलेगी, जो इंडिया में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप उस वीक में 40 घंटे करते हो तो उसके हिसाब से वो एवरेज निकालते हैं उस दिन की पे के लिए, और आपको उस दिन 7 या 8 घंटे की पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना काम करे, जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी है कनाडा की, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं जो हमें डिफरेंस लगा इंडिया से कनाडा में, वो है ड्रेसिंग सेंस। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हम कितने कलरफुल कपड़े पहनते हैं, नियॉन, ऑरेंज कलर, वो येलो, ग्रीनिश कलर जो आते हैं, ये चमकीले से कपड़े पहनते हैं और हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो इंडिया का कल्चर ही वैसा है और वहाँ सब लोग वैसे ही पहनते हैं। बट यहाँ पर जो कपड़ों का स्टाइल है वो काफी न्यूड सा है, बट मैं बड़ी कलरफुल हूँ, मेरे को शॉपिंग करने का बड़ा शौक है, मैं बड़े कलरफुल कपड़े पहनती हूँ, तो सब लोग जब भी मैं जाती हूँ तो वो देखते हैं, वाओ कितने कलरफुल तूने पहना हुआ है। बट मुझे अभी उससे फर्क नहीं पड़ा, बट मैं थोड़ी बहुत पीछे हुई हूँ उन चीजों से कि मुझे वो चमकीले कपड़े नहीं पहनकर जाने हैं। बट हाँ, कलरफुल कपड़े पसंद करते हैं यहाँ के लोग, बट वो पहनते नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े ही सटल टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। हम इंडिया से यहाँ पर आए हैं, हमारा नजरिया भी थोड़ा चेंज हो गया है, हम लोग भी इनकी तरह ड्रेसअप करने की कोशिश करते हैं, और आप हमारे कपड़ों को देख ही सकते हो कि हम भी ब्लैक वगैरह पहनने लग गए, थोड़े नॉर्मल कपड़े, ताकि उनको भी लगे कि हम नॉर्मली कपड़े पहन रहे हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं, वो है ओपनिंग आवर्स। जैसे कि इंडिया में हमें पता, जब हम इंडिया में होते थे तो वहाँ पे जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो नॉर्मल शॉप्स भी हैं, वो भी लेट नाइट, ऑलमोस्ट मिडनाइट तक तो खुलती हैं, कुछ शॉपिंग मॉल्स मिडनाइट के बाद भी खुले रहते हैं, जैसे कि क्लब पब्स हैं वो भी खुले रहते हैं। तो हम वहाँ लेट नाइट जाते थे, ईट आउट करते थे, तो बहुत नॉर्मल चीज होती थी हमारे लिए, हमारी इवनिंग स्टार्ट ही 7-8 बजे से होती थी। यहाँ की बात करें जो हमें मेजर डिफरेंस लगा, एक तरफ से तो अच्छा है और दूसरी तरफ से अच्छा नहीं भी है, वो ये है कि यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल
मॉल्स भी, अगर मैं थंडर बे की बात करूँ, यहाँ का शॉपिंग मॉल 7 बजे बंद हो जाता है और हम काम से ही 4 या 5 बजे आते हैं, तो हम सोचते हैं शॉपिंग कब करें यार, तो फिर हम अपने वीक ऑफ की वेट करते हैं ताकि उस दिन हम जाके एटलीस्ट शॉपिंग कर सकें। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो देखने को मिलता है। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है, तभी ये कंट्रीज करती हैं। लेकिन एक तरफ से देखा जाए, जो लोग डे टाइम काम करते हैं और इवनिंग्स में वापिस आते हैं घर पे, वो शॉपिंग नहीं कर पाते, वो अपने काम नहीं कर पाते, क्योंकि सब बैंक्स बंद हो जाते हैं, सब चीजें बंद हो जाती हैं इवनिंग होते होते। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो मुझे एक तरफ से अच्छा नहीं लगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये डिफरेंस अच्छा लगा या नहीं लगा। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई से मेरा मतलब है जहाँ भी आप जा रहे हो आपको खुला वाईफाई मिल रहा है, चाहे आप एयरपोर्ट में हो, चाहे आप बैंक गए हो, चाहे आप शॉपिंग मॉल ही क्यों ना गए हो, और चाहे आप ग्रोसरी लेने क्यों ना गए हो। तो ये कनाडा की बड़ी अच्छी चीज है, यहाँ हर जगह आपको वाईफाई मिलता है। जब मैं भी एज ए नई स्टूडेंट आई थी, तो मैं कनाडा पहुंची, तो मैंने एयरपोर्ट पे अपना वाईफाई चलाया, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को कॉल करके बताया कि मैं पहुंच गई हूँ, या अपने किसी फ्रेंड को बुलाना था तो उसको फोन करा। तो अगर आप यहाँ नए आ रहे हो, एक दो दिन तक आपके पास सिम नहीं भी है तो चल जाएगा, क्योंकि आपका व्हाट्सएप चल रहा है, आपका इंटरनेट चल रहा है, क्योंकि आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है। जिस घर में आप जा रहे हो वहाँ पे मेक श्योर करना कि वहाँ वाईफाई जरूर मिले आपको। 90% लोग जो है देते ही देते हैं, 10% कहते हैं खुद बाय करो। तो यही मेजर डिफरेंस मैंने देखा कि इंडिया में तो हमें पब्लिक वाईफाई कहीं पे भी नहीं मिलता है। लोग रो रोगे जियो को चलाते रहते हैं, घिसते रहते हैं उसी को, और घर पे वाईफाई होता है तो लोग पासवर्ड भी नहीं देते हैं अपना, ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं खुले दिल से पासवर्ड लो। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ की। तो आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंस, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है एक और पॉइंट, वो है यहाँ की पे। तो हमें सबको पता है कि इंडिया में हमें जो ये खुशी मिलती है वो मंथ एंड में या मंथ स्टार्ट में मिलती है, और वो एक बार ही मिलती है। लेकिन कनाडा में यही खुशी 2 बार तो मिलती है, कुछ कंपनीज में 4 बार भी मिलती है, यानी कि हर वीक पे उनको पे मिलती है। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन यहाँ पे एक और मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ जब आपकी पे आती है तो टैक्स कटने के बाद की पे आपको मिलती है, तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस डालता है हमारी पे में। अगर ओंटेरियो की बात करें, 13% टैक्स कट जाता है, तो वो सब चीजें कट के उसके बाद की पे हमारे हाथ में आती है। लेकिन इंडिया में खुला पैसा मिलता है, तो इंडिया में वो खुशी एक बार मिलती है, यहाँ पे बार बार, मतलब के महीने में 2 बार तो मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो सारे डिफरेंसेस थे हमने आप लोगों को बताए, अगर आप लोगों को लगता है हमने कुछ मिस कर दिया, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हम लोग नहीं कवर कर पाए हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको और कौन से डिफरेंसेस पता है यहाँ के। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और उन सब लोगों को शेयर करो जो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जाकर उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए आप लोग सब लोग, तब तक के लिए बाय बाय।